हेलो दोस्तों, स्वागत है वो क्रिप्टो सा के फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 डेज वेंचर्स के बारे में। एक नया डिफाई प्रोटोकॉल आने वाला है, इट इज़ नॉट येट लॉन्च्ड, बट हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। जानेंगे क्या है, कैसे वर्क करता है और क्यों आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मतलब होता क्या है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ होता क्या है। हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में जब तक जानते हैं इतना वक्त हो चुका होता है कि वो मिड वे में होता है, कि आधे रास्ते में पहुँच चुका होता है अपने ओवरऑल मूवमेंट के। जैसे कि मैं बात करूँ टाइटैनो के साथ, मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरे साथ रिलेट भी करेंगे। टाइटैनो में जब मैं आया तो मैं उस टाइम इसका प्राइस चल रहा था तकरीबन 5 से 6 सेंट, और जब 5 से 6 सेंट पे इतनी हाइप हो गई तो मुझे जाके वो मिला 8 सेंट के आसपास। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और तब भी जाके ये अच्छा खासा मूव करता रहा, 20 सेंट और 21 सेंट भी गया। देन फाइनली आई गॉट आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एट अराउंड 17 सेंट्स में निकल के बाहर आ गया 2 महीने के बाद। तो जो कि मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने शेयर किया है, ये अलग बात हो गई। बट मैं क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा आपको। ये तो हो गई टाइटैनो की बात कि भाई टाइटैनो में भी मिडवे थ्रू में एंटर हुआ। जनरली होता यही है, मैं उस टाइम थोड़ा सा अर्ली कहूँगा अपने को भी, फिर भी मेरे से और बाद में भी लोग गए होंगे इसके अंदर, जो कि भैया जिनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा शायद। उससे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वंडरलैंड के अंदर। वंडरलैंड में मैं लॉस में रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं लॉस में रहा हूँ। काफ़ी हाइप्ड अप थी और मैं तकरीबन आई इन्वेस्टेड एट अराउंड दिस पॉइंट, जहाँ पे ये $9,000 के आसपास था, और ऑल द वे डाउन टू द बॉटम मैं होल्ड करता रहा एंड इट गॉट वैनिश्ड। तो होता क्या है, हम लोग लेट हो जाते हैं किसी में। समरी ऑफ टेलिंग यू ऑल दीज प्रोजेक्ट्स इज दैट, जैसे कि स्फीयर फाइनेंस का भी फॉर इंस्टांस ले लें कि भाई हम जब पहुँचे तो इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली, मैं जब एंटर हुआ 8 सेंट के आसपास था, एंड 6 से 7 या 8 सेंट के आसपास था, एंड देन इट पम्प्ड अप एंड 11 सेंट तक गया, एंड देन अगेन इट इज़ इन द डाउन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्फीयर फाइनेंस इज डेट, स्फीयर फाइनेंस के ऊपर एक और वीडियो ला रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के अपडेट के ऊपर होने वाला है, कैसे स्फीयर फाइनेंस फाइट बैक कर रहा है और कितना अच्छे स्टेप्स ले रहा है फॉरवर्ड टू इसको बेटर मैकेनिज्म के साथ चलाने के लिए। तो वो अलग चीज़ है, बट आई एम टेलिंग यू कि हम लेट हो जाते हैं। समरी इज़ हम प्रोजेक्ट्स में एंटर करने में लेट हो जाते हैं, बट जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट है हमारा 100 डेज वेंचर्स। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत हाइप्ड अप है, बहुत अच्छा बताया जा रहा है, और इसको कंपेयर किया जा रहा है स्ट्रांग ब्लॉक्स एंड टाइम वंडरलैंड के साइज़ के हिसाब से, कि आने वाले टाइम में उनके साइज़ का हो जाएगा, जिसका कि भाई अभी तक उस साइज़ को मैच करने वाले प्रोटोकॉल्स नहीं आए हैं, बी एट टाइटैनो फाइनेंस, बी एट सेफू और बी एट एनी अदर डीफाई प्रोटोकॉल आफ्टर टाइम वंडरलैंड मनी, को उस साइज़ तक नहीं पहुंच पाया। बट 100 डेज वेंचर्स को बोला जा रहा है कि भाई ये उस साइज़ का होने के लायक है। क्यों लायक है, इसमें हुआ क्या है, इसमें एक्चुअली कुछ बिजनेसमैन आए हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर इसको बनाया है और इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं इस डीफाई प्रोटोकॉल को। तो बेसिकली इसके अंदर होने क्या वाला है, ये बेसिकली ऑफिशियली इन्होंने अग्री करा है कि इट इज़ अ फोर्क ऑफ टाइटैनो फाइनेंस। तो ये टाइटैनो फाइनेंस का ही फोर्क है, तो ऑब्वियसली ये ऑटो स्टेकिंग डीफाई ऑटो स्टेकिंग प्रोटोकॉल पावरिंग है ट्रू बिजनेस लॉन्च पैड, बेसिकली बिजनेस लॉन्च पैड की तरह वर्क करने वाला है। इसके ऊपर आने वाले टाइम में और दूसरे बिजनेसेस अपने प्रोटोकॉल्स को मैनेज करा करेंगे और बनेंगे इसके ऊपर। तो बेसिकली थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर ये खेलने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्या करने वाला है, ये एवलांच की ब्लॉकचेन पे आने वाला है। एस्ट्रो टोकन इसका अपना टोकन होने वाला है, नाम इसका है 100 डेज वेंचर्स। ऑटो स्टेकिंग होने वाली है, 100,000% की APY मिलने वाली है, रीबेसेस मिलने वाले हैं, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक हाउ वी आर हैविंग विद स्फीयर फाइनेंस एंड टाइटैनो फाइनेंस, सब कुछ उसी की तरह होने वाला है। फोर्क कह दिया है तो ऑब्वियसली सब चीज़ें वैसे ही होने वाली हैं। अब इसके अंदर बेस्ट चीज़ क्या है कि जिनके फाउंडर्स हैं वो सारे डॉग्स्ड हैं। डॉग्स मतलब क्या है, दे आर पब्लिक, दे आर अवेलेबल इन द पब्लिक पोर्टल्स, जहाँ पे आप इनसे बात कर सकते हैं। आप इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें, मैंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया है इनका ऑलरेडी, और डिस्कॉर्ड पे देखेंगे तो काफ़ी एक्टिव हैं इनके खुद के फाउंडर्स, जे ड्रेको आप देखेंगे ये भी फाउंडर है, टेरोजोन ये भी फाउंडर हैं, दे आर वेरी एक्टिव इन द डिस्कॉर्ड। ये खुद ही बात करते हैं डिस्कॉर्ड पे आके और भी सोशल मीडियाज़ पे आके, आप थोड़ा मिल लेते हैं कि भाई टीम क्या है। टीम डॉग्स तो बोल दिए मैंने, टीम डॉग्स एंड KYC'd है पब्लिकली, डॉग्स मतलब है पब्लिकली KYC'd है टीम, टीम में है कौन। अच्छी चीज़ क्या होती है ना, जब इंडियन फेसेस देखने को मिलते हैं, आप देखेंगे अर्श जौहरी ये एक इंडियन है जो इस टीम का पार्ट है, सेकंड वन इज़ आल्सो एन इंडियन हुज नेम इज़ रोहित चोपड़ा, तो 2 इंडियंस हैं इस प्रोजेक्ट की टीम के अंदर, थर्ड वन इज़ टॉमी स्टीफेंसन एंड फोर्थ वन इज़ डैरल जॉर्डन, ये सब ही
पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं सबसे बात करने के लिए, सबके सामने। इनका पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, इनका आप पूरा पास्ट रिकॉर्ड यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और वेरी वेल क्वालिफाइड लोग हैं ये चारों के चारों। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि भाई दिस प्रोजेक्ट हैज़ सम फेसेस, वेरी लिजिट फेसेस इसके पास है, इस प्रोजेक्ट के पास। तो ये हो गई टीम की बात। अब बात करते हैं प्री सेल की। प्री सेल थी 15 अप्रैल को, जो कि ओवर हो गई। अप्रॉक्सीमेटली $1 मिलियन इन्होंने प्री सेल में अरेंज कर लिया है अपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री सेल हैज़ एंडेड, ठीक है। अब 6 दिन के बाद ये डैप लॉन्च हो जाएगा, जहाँ से हम इनका बाय कर सकते हैं इस टोकन को, ठीक है। अभी अपना मौका प्री सेल का तो निकल गया है, वो बहुत दिक्कत वाली वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया इसमें पहुंचने में। ऑब्वियसली हर जगह लेट ही हो जाते हैं, देर कर देता हूं मैं, तो लेट हो गए, बट कोई दिक्कत नहीं है, प्री सेल चली गई है, बट अभी लॉन्च बाकी है। लॉन्च पे भी अगर हम खरीद लेते हैं तो हमारे पास चांसेस रहेंगे इसके अंदर बने रहने के और अच्छे प्रॉफिट्स निकालने के। ये डीफाई प्रोटोकॉल्स के अंदर यही है, आप जितना जल्दी इसके अंदर एंटर करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बात सारी हो जाती है यहाँ पे कि भाई प्री सेल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। प्री सेल का प्राइस उन्होंने रखा था 0.008 पर एस्ट्रो टोकन, एक एस्ट्रो टोकन का प्राइस उन्होंने $0.008 रखा था, ठीक है जी। प्री सेल क्वांटिटी उन्होंने लिखी थी इतनी 200। प्री सेल का जो गोल रखा था उसके अंदर इनके जो रेज होने थे, उनका टारगेट रखा था $1.6 मिलियन का, जो कि इनका कवर अप हो चुका है, इसीलिए वो एंड हो गई है। लेट्स चेक आउट द रोड मैप। रोड मैप में ग्रेविटी ब्रिज आने वाला है, एस्ट्रो स्वीपस्टेक्स आने वाला है, NFT सेविंग्स लॉन्च करने वाला है, स्मार्ट बॉन्डिंग, क्रॉस चेन इकोसिस्टम की, मतलब दूसरे ब्लॉक चेन्स पे कैसे आप खरीद बेच कर सकते हैं इनकी। सर्टिक ऑडिट होने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ होगी कि सर्टिक ऑडिट होगा इनका। सर्टिक ऑडिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होने चाहिए, जो कि भी होना बाकी है, ठीक है। देखो, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये आपके वेले आपको लेना है नहीं लेना, आई एम हेयर टेलिंग यू गुड एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, जो भी है इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं पर्सनली अपने बताऊँ तो मैं इसमें कुछ ना कुछ छोटा अमाउंट ज़रूर डालने वाला हूँ, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है, इसमें इन्वेस्ट करने में चांसेस हैं अच्छा ग्रो करने के। लेट्स क्विकली सी द टोकनॉमिक्स। 1 बिलियन के आसपास की सप्लाई है, इनिशियल सप्लाई, जिसमें 20% ऑलरेडी प्री सेल में सोल्ड आउट कर चुके होंगे। इकोसिस्टम में 55% रहेंगे, लिक्विडिटी में 10% एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मार्केटिंग के लिए 15% का रखेंगे टोटल सप्लाई के अंदर। ये टैक्सेस इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस के लिए बात कर लेते हैं। टैक्सेस रहेंगे भाई, बाय फी रहने वाली 15% और ट्रांसफर फी भी 15% रहेगी। वहीं पर इन्होंने सेल फी कर दी है 20% के आसपास, मैक्सिमम अप टू 30% डिस्ट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग फीस इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बाय फी फिक्स रहेगी, जो कि 15% ही रहने वाली है। सेल फी मिनिमम 20% और मैक्सिमम 30% है, और इन्होंने भी थोड़ा सा डायनेमिक फी स्ट्रक्चर खड़ा दे दिया है सेल के लिए। अब एक आती है वेल अकेडमी। वेल अकेडमी न्यू है इनके लिए, और ये उन लोगों के लिए करा है बेसिकली जो एक्चुअल में जिनको ये वेल कंसिडर करते हैं। इन्होंने एक ब्रैकेट दे दिए हैं जहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि भाई $0 से $10,000 की USDC वर्थ होगी किसी बंदे के पास इस कॉइन्स के अंदर, तो नॉर्मल सेल टैक्स में उसको डाला जाएगा। अगर किसी के पास $10,000 से $25,000 USD वर्थ होगी कॉइन्स के अंदर, तो वो उनको 50% टैक्स ब्रैकेट में डाला जाएगा अगर वो सेल करते हैं। तो मतलब जो बंदे के पास इतनी वर्थ है उसको ऑटोमेटिकली वेल कंसीडर कर लिया जाएगा वेल अकेडमी के द्वारा, और उससे इतना टैक्स वसूला जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे कि भाई वेल्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेल्स ही ऐसे होते हैं जो स्वेयर फाइनेंस कह लो या टाइटेनो फाइनेंस जैसे प्रोटोकॉल्स को ख़राब करते हैं। इनको जिनके हालात आज के डेट में ख़राब हैं वो इसी वजह से हैं कि जो हमारा प्राइस टाइटेनो का इतना नीचे आ गया और हमारे स्वेयर फाइनेंस का भी प्राइस इतना नीचे आ चुका है। रीज़न बीइंग वेल्स ने इसको बर्बाद किया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्होंने ये वेल अकेडमी खोली है, ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी है, बहुत बढ़िया लेके आए हैं इसके अंदर। ग्रेटर देन 25,000 जिसके पास होगी उसको 80% देना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हैं आप, $25,000 की वर्थ वाले को 80% सीधा सीधा उसको टैक्स में देना पड़ जाएगा। तो वेल्स नहीं क्रिएट होने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है, इसके अंदर वेल्स नहीं आएंगे। ऑब्वियसली आएंगे तो उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस वॉज एट इकोसिस्टम। ना इस ग्राफिक के द्वारा ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने ऐसी कम्युनिटी और इकोसिस्टम क्रिएट करने वाले हैं जिसके ऊपर आके दूसरे नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस आके डेवलप और बिल्ड हो सकते हैं इजीली। तो बेसिकली ये बिजनेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बनने वाला है पूरा, जिसका नाम 100 डेज वेंचर्स रखा गया है, जो काफ़ी हाइप्ड अप है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है देखने में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस प्रोजेक्ट, बट बिकॉज इट इज़ नॉट येट लॉन्च्ड, इट इज़ वेरी अर्ली टू गेट इनटू इट एंड गेट इन्वेस्टेड इनटू इट, एंड उतने ही अच्छे चांसेस हो जाते हैं अच्छे प्रॉफिट्स निकालने के। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा 100 डेज वेंचर्स के ऊपर। मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिसर्च के साथ। प्लीज़ डू कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और फीडबैक अबाउट दिस प्रोजेक्ट।
मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ख्याल रखिए अपना. कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग. थैंक यू सो मच. पीस आउट. Peace out.